से सिंगापुर, हांगकांग, लंदन से न्यूयॉर्क, रोम, पेरिस से जो भी टूरिस्ट आता है स्टेशन पर उतर के क्या पूछता है, राजू गाइड कहाँ है, राजू गाइड। आजकल लोग चीजें खरीदने कमाते हैं मगर राजू गाइड के पता ज्यादा पूछते हैं। इतने बड़े बड़े आलीशान महलों को छोड़कर मैं आपको यहाँ कैसे ले आया? इट इज वेरी सिंपल। कवियों ने पेरिस की गलियों पर गीत लिखे, रोम और वेनिस के कूचों पर दिल लुटाए। अपनी बीमार पत्नी को देखने में अगर तुम्हारा वक्त बर्बाद होता है तो तुम्हारे साथ रहने में जो उसका जीवन बर्बाद हो रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? वो आदमी अपने नसीब को कोसता रहता है, उसके नसीब भी उसे कोसते लगते हैं। गाइड, हमें आप सैर कराओ, कोई ऐसी जगह दिखाओ कि दिल फड़क उठे। किसी हार मान लेना पाप है, घुट घुट के जीना पाप है, जीते जी अपनी आत्मा की हत्या करना पाप है, आत्महत्या करना पाप है, रोजी पाप है, पाप है। माँ का घर छोड़ा कि पति के घर जाऊंगी, क्या मालूम था वहाँ न घर होगा न पति। ये मैं नहीं होने दूंगा। कोई भी लफंगा बदमाश आवारा 58 रुपया बाजार में फेंक कर जब चाहे मेरी पत्नी का डांस देख सके और उसके बाद हंसता हुआ मेरे नाम पर कीचड़ उछाले, ये मैं नहीं देख सकता। देखो, हमारे यहाँ एक मेहमान आया है, इनका नाम रोजी है। अगर तुम कलंकी नहीं तो ये कलंक सर आंखों पर। कल तक सोचना पाप था लेकिन आज और बात है, कल तक कहना पाप था लेकिन आज और बात है। रोजी, मैं तुम्हारे लिए सपने देखना चाहता हूँ, उन सपनों को रूप देना चाहता हूँ, मुझे इजाजत दो। तू उस औरत को अपने घर से निकाल दे, उस औरत के लिए तूने सारे शहर को दुश्मन बना रखा है। एक लफ्ज और ये दोस्ती गई, थाड़ में गई ये दोस्ती, जो एक आवारा औरत के लिए दो दोस्तों में झगड़ा करा दे। तुम कहोगी तो मैं शराब छोड़ दूंगा, जुआ छोड़ दूंगा, अपने सब दोस्तों को छोड़ दूंगा, सारी दुनिया छोड़ दूंगा, लेकिन एक बार मेरे लिए वही रोजी बन जाओ, एक बार सर रख लेने दो अपनी गोद में, एक बार कह लेने दो कि मुझे तुम। सच तो ये है राजू, न मैं तुम्हें समझी न तुम मुझे समझे, साथ छूट गया तब समझ में आ कि तुम मेरे लिए क्या थे।